तो ल्यूली सोचती है ये कितना बेशरम है, सामने से गिफ्ट मांग रहा है। फिर वह युवान वेई को बोलती है बग्गी में से गिफ्ट ले आओ। तो युवान वेई एक बॉक्स लाती है जिसमें पेन केक होता है, जिसे देखकर प्रिंस कहता है तुमने ये मेरे लिए गिफ्ट लाया है, तुम मुझे फूल बनाना चाहती हो जैसे मंत्री त्यान को बनाई थी। तो ल्यूली पैसे निकालती है और कहती है मैं तुम्हें ये पैसे भी नहीं दे सकती, तुम तो क्राउन प्रिंस हो, तुम्हारे पास पैसे भी बहुत होंगे। तभी युवांशु वह पैसा ले लेता है और कहता है ऐसा नहीं है, मुझे ये गिफ्ट पसंद आया। युवांशु का पैसा पकड़ने का स्टाइल देखकर ल्यूली समझ जाती है म्यूजिशियन के भेस में यही था। फिर युवांशु उसे अपने मेंशन में बुलाता है जहां पर एक क्यूट बिल्ली भी होती है। युवांशु ल्यूली से कहता है ये बिल्ली पिछले 5 साल से मेरे साथ रह रही है, इसका नाम हुआ हुआ है। तो ल्यूली कहती है हाँ बोलो। तो क्राउन प्रिंस सोचता है नहीं, इसे नहीं पता चलना चाहिए और कहता है मेरी बिल्ली का नाम फाफा है। तो ल्यूली कहती है फाफा बड़े ही प्यारा नाम है और ये बिल्ली काफ़ी क्यूट है। तभी युवांशु ल्यूली के द्वारा भेजे गए खत को निकालता है और पढ़ना शुरू कर देता है। वह कहता है मेरे पिता ने आज मुझे आचरी दिए हैं और मैं आचरी में पहले स्थान पर आती हूँ, मेरे पास और भी बहुत कुछ है लेकिन कितनी दुख की बात है क्राउन प्रिंस तुम्हारे पास एक बिल्ली तक नहीं है और लड़ने में मेरा कोई जवाब भी नहीं है, मैं बहुत बहादुर हूँ। फिर युवांशु कहता है फिर वह कौन थी जो यानकी गेट पर एक हवा के झोंके से बेहोश हो गई थी। तो ल्यूली कहती है पहले मैं बहुत बहादुर और ताकतवर हुआ करती थी लेकिन युद्ध के दौरान किसी ने मुझे जहर दे दिया जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हूँ। तो युवांशु कहता है जहर की बात है तो तुमने बचपन में मुझे जहर की बोतल भेजी थी। ये सुनकर ल्यूली बेहोश होकर गिरने लगती है। तो युवांशु उसे पकड़ने जा ही रहा होता है कि युवान वही आकर उसे पकड़ लेती है और कहती है मेरी प्रिंसेस की तबीयत खराब है, हमें आराम करने के लिए वापस जाना होगा। फिर मेंशन से बाहर निकलने के बाद ल्यूली कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था मैंने जो पत्र और जहर की बोतल भेजी थी ये उसे संभाल के रखेगा, मैंने तो बस ऐसे ही भेज दिया था। तभी उसे एक भिखारी के गाना गाने की आवाज़ सुनाई देती है। दरअसल ये गाना सरहद पर रहने वाले सैनिक गाया करते थे। ल्यूली उस भिखारी के पास जाकर कहती है अंकल सोंग ये आप है? तो भिखारी कहता है मिस तुम्हें कोई गलत फहमी हुआ है। तो ल्यूली कहती है नहीं आप ही अंकल सोंग हो और मैं अब राजधानी में आ गई हूँ तो आप मेरे पैलेस में आकर रह सकते हैं। तो भिखारी कहता है मिस देखो मुझे, मैं अपनी ज़िंदगी बिंदास जी रहा हूँ और मेरे पास मेरी शराब भी है, इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। और वहाँ से जाने लगता है। तो युवान वेई ल्यूली से पूछती है अंकल सोंग को क्या हुआ था? तो ल्यूली कहती है अंकल सोंग को युद्ध के दौरान पैरों में इंजरी आ गया था जिसके कारण वह अब लड़ नहीं सकते हैं, वह हमसे दूर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वह हम पर बोझ नहीं बनना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है। फिर युवांशु को दिखाया जाता है जिससे मिलने जी हुआ आया होता है। तो युवांशु कहता है मैंने तुम्हारी नियुक्ति जिनलिंग गार्डन में म्यूजिशियन के तौर पर करवा दिया है। तो जी हुआई सोचता है मैं और म्यूजिशियन। फिर वह बिल्ली को हुआ हुआ कहकर पुकारने लगता है। तो युवांशु कहता है उसे हुआ हुआ मत कहो, राजकुमारी हुआ को पता नहीं चलना चाहिए, अब इसका नाम फाफा है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही चार जोकर ल्यूली पर हमला करने का प्लान बना रहे होते हैं पर उनके सामने वही भिखारी बैठा होता है जिसकी वजह से वह हमला नहीं कर पाते हैं। फिर अगली सुबह में ल्यूली अंकल सोंग को अपने साथ रहने के लिए कह रही होती है। वह कहती है आप हमेशा से हुआ फैमिली के सदस्य रहे हो, मुझे आपकी ज़रूरत है, हम सभी को आपकी बहुत याद आती है। तो अंकल सोंग कहते हैं अब मैं शराब पीने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो ल्यूली कहती है अभी हुआ फैमिली खतरे में है और राजधानी में आपके सिवा मैं किसी और पर विश्वास नहीं कर सकती, तो आपको हमारे साथ रहना चाहिए। इतना सुनने के बाद अंकल सोंग ल्यूली की रक्षा करने और उसके साथ रहने के लिए तैयार हो जाते हैं।